आप लोगों का दो मिनट का समय और चाहेंगे। इतनी बेहतरीन प्रस्तुति आपने देखी। चलते चलते हमारे कलाकारों से आपका परिचय कर मंच पर युवक की भूमिका में थे शुभ्रो भट्टाचार्य, डालिया मानवेंद्र त्रिपाठी, अमीना एनाक्षी दे विश्वास, लेखा शारदा सिंह, बूढ़ा मछुआरा सुमन कुमार, रहमत शेख, संतोष मेहरा, राजदूत कुणाल कौशल शुक्ला, संगीत पक्ष संभाल रहे थे हारमोनियम पर मोहम्मद जॉनी, तबला राजेश रंजन, ढोलक लाल पर एसके टुंडी, राजेश कुमार, वायलिन विजय कुमार, मंच व्यवस्था थी अंजारुल हक। प्रॉपर्टी पप्पू ठाकुर, मंच परिकल्पना मानवेंद्र त्रिपाठी, मंच निर्माण प्रबोध, वस्त्र विन्यास सुमन कुमार, और उनका साथ दे रहे थे अंजारुल हक, प्रकाश संयोजन विजेंद्र कुमार टांग, पूर्वाभ्यास और प्रस्तुति प्रबंध जय भारती कृष्णा कुमार बनफूल नायक, प्रोडक्शन मैनेजर थे डॉक्टर शैलेंद्र। मित्रों, जैसा आपको मालूम है मूल कथा कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, और इसका नाट्य रूपांतरण आदरणीय ऋषिकेश सुलभ जी का था। जोरदार तालियां। इस नाटक को के सहायक निर्देशक, मैं उनको मंच में बुलाना चाहूंगा, सह निर्देशक प्रवीण कुमार गुंजल, सह निर्देशक प्रवीण। संगीत परिकल्पना एवं निर्देशन संजय उपाध्याय जी का। मैं हमारे बीच माफ कीजिएगा, शहनाई पर सुहेल अख्तर साहब थे।
जोरदार तालियां फैलाई गई। हमारे बीच मैं अनुरोध करूंगा इस नाटक का नाट्य रूपांतरण जिन्होंने किया आदरणीय ऋषिकेश सुलभ जी से कि कृपया मंच पर आए, हालांकि पैर में उन्हें तकलीफ है। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे बीच, ये गर्व का विषय है। शिक्षक ईर्ष्या में हमारे बीच प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन एवं श्रम संसाधन आदरणीय व्यास जी उपस्थित हैं। सर, आपसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए और ऋषिकेश जी को पुष्प गुच्छ प्रदान कर सम्मानित करें। जैसा कि रोज होता आया है, हम प्रस्तुति के निर्देशक को प्रतीक चिन्ह देते हैं, प्रदान करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच कल जो नाटक हुआ था आपको याद होगा, कौन सा नाटक था आप बता पाएंगे? मध्यवर्तनी। मध्यवर्तनी की निर्देशक सह निर्देशक आदरणीय भागीरथी जी उपस्थित हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए और ये प्रतीक चिन्ह देने का कार्यक्रम उनके हाथ में। जोरदार तालियां। संजय उपाध्याय जी को। ये मेरा सचमुच का सौभाग्य है कि मेरा बंधु एक साथ हम पढ़ते थे, आज इस बिहार मंच में बा पटना के मंच में मेरे हाथ से वो संजय उपाध्याय को देने में मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। मुझे भागीरथी भाई मूलतः कर्नाटक के हैं और कन्नड़ भाषी हैं। ये बेबी कारंत जी के साथ और इनकी लंबी परंपरा रही है कर्नाटक में रंगमंच करने की। नीनासम का नाम सुना होगा आपने, वहाँ की एक्ट्रेस, वहाँ से पास आउट होने के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रहे। तो मैं सौभाग्य है हमारा कि आज वो उपस्थित हैं। मैं और भागीरथी और इसका जो पति कल जिसको आपने अभिनय करते देखा बहरुल इस्लाम, हम तीनों एक ही बैच के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हम लोग थे। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और नाटक बहुत हड़बड़ी में तैयार हुआ। मैं पिछले 16 तारीख को ये आया यहाँ, 16 यानी कि 4-5 दिन पहले। फेस्टिवल 19 से शुरू होना था, मैं 16 तारीख को भोपाल से आया और उसके पहले 15-20 दिनों से 15 दिन पहले से प्रवीण कुमार गुंजन ने इस नाटक को तैयार करके पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और तमाम जो निर्देशकीय जो दायित्व है वो प्रवीण कुमार गुंजन ने अपने ऊपर ले लिया और पूरा जो कुछ भी आपने देखा वो मेरा उसमें बस संगीत जो है उसको मैंने तैयार कराया आकर, और उसके साथ साथ जो कुछ भी एक बड़े भाई की हैसियत से जो सजेशंस या कुछ देना पड़ता था मुझे वो मैंने किया। तो इसलिए इस नाटक के जो एसोसिएट डायरेक्टर उसको कहा जाए प्रवीण कुमार गुंजन, मैं ये मोमेंटो उन्हें देना चाहता हूँ। आप आगे आइए, आ जाइए। सारा ये प्रवीण कुमार गुंजन बहुत मेधावी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हैं, 2 वर्ष पहले इन्होंने पास किया और बड़े अच्छे अच्छे नाटक ये निर्देशित करते रहे हैं और ये नया कुछ सीखने को निर्माण कला मंच के लड़कों को प्रवीण के साथ रहकर ना कुछ
रंगमंच पर आप जो देख रहे हैं, चाहे वो सेट हो, लाइट हो, एक्टिंग हो, जो भी डिजाइनिंग है, पूरा का पूरा मैं श्रेय देना चाहता हूँ प्रवीण को। और हमारे 5 दिनों का ये महोत्सव पिछले 19 तारीख से लेकर आज 23 तारीख समापन का दिन है। पहला दिन सीमा विश्वास का नाटक था, दूसरे दिन बंगला प्ले था चिर कुमार सभा, और अरुण मुखोपाध्याय उसके निर्देशक थे। तीसरे दिन तमाशा न हुआ भानु भारती जी के निर्देशन में। चौथे दिन बहरुल इस्लाम के निर्देशन में मध्यवर्तनी, और आज आखिरी दिन ये नाटक गलिया की प्रस्तुति हुई निर्माण कला मंच की। लगातार टैगोर के ऊपर केंद्रित इस महोत्सव में आप लोग जिस तरह से शिरकत इस बार आपने की, जिस तरह से आपने ताली बजाकर इस्तकबाल किया, हम निर्माण कला मंच की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और जितने भी लोग जो लगातार हमारे दर्शक में या हमारे जो प्रेक्षक वर्ग है, एक नया प्रेक्षक तैयार हुआ, दर्शक वर्ग तैयार हुआ। पहले दिन थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, दूसरे दिन वो डिस्टर्बेंस कम हुआ, तीसरे दिन ऑडियंस ने और अपने आप को अनुशासित किया, और आज पूरी तरह से अनुशासन किस तरह से, जिसे कहते हैं रंग प्रज्ञा नाटक में, वो आप रंग प्रज्ञा यानी कि रंग भाषा की समझ के साथ नाटक देखना और प्रॉपर रिस्पॉन्स देना, ये आपने इसका परिचय दिया है। ये इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली आपके नाम पर, दर्शकों के नाम। आज मैं ये समापन ही से कहा जाए भाषण है, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि ये नाटक के जो रूपांतरकार ऋषिकेश सुलभ जी हैं वो अपना उद्गार व्यक्त करें। दो शब्द प्रेक्षा गृह में बैठे आदरणीय दर्शकों, युवा साथियों, मंच पर खड़े व्यास जी और तमाम दोस्तों, ये मेरा अपना नगर है। आप सब ने एक लेखक के रूप में मुझे पाला है, पालित पोषित किया है, प्रेरित किया है। निरंतर आपसे लेकर आपको ही लौटाने की प्रक्रिया में हूँ, यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि पटना में इस नाटक का पहला प्रदर्शन हुआ, ये ओपन हुआ प्ले यहाँ। इसके पहले अधिकांश मेरे नाटक पटना से बाहर ही ओपन होते रहे और प्रसिद्ध होकर फिर अपने नगर में आए, लेकिन आज ये सचमुच मेरे लिए बहुत ही व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता का समय है। बहुत कम समय में ये नाटक तैयार किया गया, हालांकि 1.5 वर्ष पहले इसके लिखे जाने की योजना थी, और लगभग उस समय से एक पूरी प्रक्रिया जो लेखक की होती है उसमें मैं गुजर रहा था, लेकिन ये अगस्त माह के बीच मात्र 10 दिनों के भीतर ये नाटक तैयार हुआ, और फिर संजय को दिया मैंने, फिर संजय ने इस तरह ये पूरी प्रक्रिया आपको बताई। आप सबों का सचमुच ऋणी हूँ मैं जो भी हूँ वो सब आपका अंश है, आपने ही दिया है, आपको बहुत विनम्रता के साथ प्रणाम करता हूँ। अंत में व्यास जी से मैं चाहूंगा, सभागार में उपस्थित श्री रामचंद्र खान साहब, दर्शकों, मंच पर उपस्थित सुलभ जी, संजय जी, उनकी टीम के सभी सदस्यगण, कवि गुरु टैगोर को जिस तरीके से पटना में श्रद्धांजलि दी गई नाटकों के माध्यम से, मैं इसे अपने आप में अभूतपूर्व मानूंगा। आज संजय जी ने कहा कि आप बीच में नहीं आ पाए थे, आज जरूर आए, और आने के बाद जब मैंने इस नाटक को देखा तो मैंने अशोक तिवारी जो मेरे साथ बैठे थे, मैंने कहा कि स्क्रिप्ट किसका है, स्क्रिप्ट इतना शानदार लगा, भाषा, शब्दों का चयन, वाक्यों का चयन, उन्होंने कहा कि ऋषिकेश जी का है, और ऋषिकेश जी चूँकि हम लोग के मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, इनकी लेखन क्षमता से मेरा परिचय है, इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। उतना ही सदा अभिनय जिन पात्रों ने अभिनय किया, उतना ही सदा उतनी जीवंतता के साथ अभिनय रहा, और संगीत मैं चूँकि यह नाटक रहा, और संजय उपाध्याय की छाप हमेशा जब भी संगीत में नाटक होते हैं दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, इसलिए बिना पूछे ही मैं समझ गया कि संजय जी का निर्देशन है,
अभी ज्ञात हुआ कि गुंजन जी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। अब मैं देख रहा था कि दर्शक लगातार तालियां बजा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और खो गए थे। मुझे लगा कि दर्शक खो गए थे, इसलिए जो भी कलाकार इसमें भाग ले रहे थे, जिन्होंने अभिनय किया, जिन्होंने संगीत दिया, जिन्होंने निर्देशन दिया और जो स्क्रिप्ट लिखा, ये सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, पूरी पूरी बधाई के पात्र हैं कि पटना के दर्शकों को इतना शानदार, इतना जानदार कवि गुरु के की कहानियाँ कई बार जिसका हम लोग हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जो बांग्ला भाषी लोग नहीं हैं उन्हें कई बार बहुत बढ़िया हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आपने जिस तरीके से स्क्रिप्ट इसमें दिया था वो लगा कि वो कवि गुरु साक्षात उतर करके पटना के रंगमंच पर आ गए हैं। मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि तालियाँ ही इस बात की साक्षी हैं कि वास्तव में कवि गुरु इस मंच पर उतर के आ गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं हमारे जो मेंबर्स थे उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उनको मैं जैसे प्रोफेसर उषा किरण खान जी, रामचंद्र खान जी, व्यास जी, फनीश सिंह जी, प्रोफेसर एन एन पांडे, प्रोफेसर श्याम शर्मा, अतुल आदित्य पांडे, ऋषिकेश सुलभ, अशोक तिवारी, डी एन सिन्हा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
मेरा भी फोटो ले।